आशा करती कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप सबकी दुआ से हम सब भी स्वस्थ और मस्त हैं। तो फ्रेंड्स, अभी आरुषि और अर्णव दोनों स्कूल से आ चुके हैं और आरुषि को सुबह भी बहुत नींद आ रही थी, लेकिन क्या करते, स्कूल तो जाना ही पड़ता है, ठंडी रहो के कुछ रहो। तो अभी आके वो लेट गई है, कपड़े भी चेंज करने की है, अभी करेंगी थोड़ी देर में चेंज। और बच्चों का पेपर बहुत अच्छा गया है, कल भी अर्णव को बहुत लेट हो गया पढ़ाई करने के लिए, पढ़ाई करते करते उसको रात को 11:30 बज गया, उसको लिख के दिया, फिर उसने लिख के बताया, तो पढ़ाई अच्छे से हो गई थी, उसका पेपर भी बहुत अच्छे से गया है। और अभी मेरे काम तो सुबह ही हो चुके थे, सारे काम ख़त्म कर दिया था मैंने, बस खाना बनने का बचा है और पूजा, तो पूजा मैं अभी जल्दी से कर देती हूँ। और कुकर वूकर लगा दिया है और आटा भी लगा दिया है, तो अभी आटा थोड़ी देर में सेट हो जाएगा तो फिर मैं रोटियाँ बना लूँगी। तो चलिए सबसे पहले मैं पूजा कर लेती हूँ। तो पूजा करने के लिए मैं मंदिर में आ चुकी थी, तो मैंने सबसे पहले तो मंदिर को अच्छे से क्लीन कर लिया था, बहुत डस्ट हो चुकी थी तो अच्छे से क्लीन हो गया था मंदिर। और अर्णव को बोल दिया था कि तुम फूल तोड़ने के लिए चले जाओ, तो अर्णव फूल तोड़ने के लिए गया था, यानी घर में ही फूल लगते हैं, वहीं से तोड़ के ला रहा था अर्णव। तो पूजा अच्छे से हो चुकी थी मेरी, और मैंने पूजा करने के पहले ही आधी तैयारी कर चुकी थी मैं खाने की, तो कुकर लगा दिया था मैंने और आटा भी लगा के रख दिया था, और आटा भी अभी अच्छे से सेट हो गया था, बस मुझे गरम गरम रोटियां डालनी ही थी और इन्हें भूख भी लग चुकी थी, तो मैंने सोचा कि गरम गरम रोटियां बनाती हूँ और इन्हें परोसती हूँ। तो अभी रोटियां बस बनी रही थी और इधर सब्जी जो थी मेरी, जो आज मैं दाल पालक बनाने वाली थी, और दाल पालक को मैंने तड़का लगा दिया था, तो दाल पालक भी धीमी आंच पर पक रही थी और चावल बनाया था। रोटियाँ मेरी आधी बन चुकी थी और तो मैंने इन्हें खाना परोस दिया था। तो आज मैंने सलाद भी बनाया था साथ में, और इनको मूली बहुत पसंद आती है, ठंडी के दिनों में तो ये मूली खाते ही है, अच्छा लगता है इनको हर खाने के साथ, और मूली भी बहुत अच्छी आती है, कौली कौली आती है। तो ये खाना खा रहे थे तो उतनी देर में मम्मी भी नहा कर आ गई थी, तो मम्मी आते बरोबर मम्मी ने पूजा किया, मेरी तो पूजा वैसे हो चुकी थी, तो मम्मी अपनी शंकर भगवान को नहला रही थी, तो मम्मी की बस पूजा हो जाती है, तो फिर मम्मी ने जो ये जल रहता है शंकर जी का, ये सबको दिया पीने के लिए, तो हम सब ने उसको पिया भी। और इसके बाद फिर मैंने मम्मी को कहा कि आप भी खाना खा लो, तो मम्मी बस खाना खा ही रही थी, तो फिर मम्मी का खाना होने के बाद फिर मैं ही रह गई थी खाना खाने के लिए, इन लोगों का भी खाना हो गया था तो फिर मैंने भी खाना खा लिया। हेलो दोस्तों, अभी शाम हो चुकी है और मम्मी भी है, मम्मी आज जाने वाली थी लेकिन मम्मी अभी कल सवेरे जाने वाली है, नाना जी के गाँव जाने वाली है, यहीं से नाना जी का गाँव नज़दीक है, तो मम्मी वहाँ जाने वाली है। तो अभी ठंड भी बढ़ गई है, 2-3 दिनों से ठंड ज़्यादा लग रही है, मैं स्वेटर पहनती नहीं थी लेकिन अभी स्वेटर पहन रही हूँ क्योंकि अभी ठंड बढ़ गई, नहीं तो अभी तक मैं इतनी सहन हो जाती थी ठंडी मुझे, क्योंकि अंदर के अंदर रहती थी, लेकिन अभी अंदर भी ठंडी आना शुरू हो गई है। तो चलिए अभी मम्मी को चाय पीना है तो मैं चाय बनाती हूँ, वैसे हम लोग चाय नहीं पीते थे शाम के समय, बच्चे हम लोग नहीं पीते थे, लेकिन अभी मम्मी है तो मैं चाय बनाती हूँ। तो मैं किचन में आई तो मैंने देखा कि मम्मी ने चाय चढ़ा दिया था, तो और चाय बन रही थी, तो फिर मैंने सोचा कि दोपहर के में जो बर्तन धो के रखे हुए उसको लगा दूँ, तो मैं उसको लगा रही थी, और कुछ बर्तन बेसिन में पड़े हुए थे तो उसको भी धोना था, तो उसको मैंने धो लिया था, तो बस चाय बन ही रही थी। तो चाय बन चुकी थी और फिर हम दोनों ने चाय पी लिया, और अर्णव कुछ अपना काम कर रहा था, वही उसका हमेशा का काम मोबाइल खोल के रखना, तो एक मोबाइल मेरे पास लेके आया था छोटा वाला पुराना वाला, और कह रहा था कि मम्मी इसको खोलो क्या, तो मैंने ठीक है खोल लो, वैसे भी अभी कोई काम के रहते नहीं ये वाले मोबाइल, तो बस उसी को खोल रहा था। और नानी पूछ रही थी कि ये क्या करता है सब खोल खाल के, तो मैंने कुछ नहीं देखते रहता है कि अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। तो चाय पीने के बाद फिर मम्मी के साथ बहुत देर तक बातें चलती रही, तो बातों में पता ही नहीं चला कि टाइम बहुत हो चुका है, तो मैं जल्दी से किचन में आई और खाने की तैयारी करने लगी। तो सबसे पहले मैंने सोचा कि कटिंग कर लेती हूँ सब्जियों की, तो मैं लहसुन छीलने के लिए लग गई थी। तो मैं बना रही हूँ अभी पुलाव, पुलाव बना रही हूँ, और इनको कैसा है पुलाव ज़्यादा पसंद नहीं आता है, तो साथ में टमाटर की जो मीठी वाली चटनी रहती है पकाई हुई वो बना रही हूँ, और मट्ठा बना रही हूँ, तो अभी ये दही लेके आता हूँ बोले।
तो मैं मट्ठा कुछ मट्ठा ऐसा मीठा वाला मट्ठा वो बना लूँगी। एक तो बहुत लेट हो गया अभी। पोर्क पुलाव कैसा इंस्टेंट बन भी जाता है। मैंने इसमें डाल दिया है, आलू डाला है और जो तुअर के दाने होते हैं ना वो डाले हैं। तो तुअर के दाने का जो पुलाव रहता है बहुत अच्छा लगता है खाने में। बन रहा है अभी, उबाल आने पे इसको ढक्कन लगा दूंगी। तब तक मैं टमाटर की मीठी वाली चटनी बना लेती हूँ। तो दही लाए थे इन्होंने, उसमें पानी डाल के उसका थोड़ा सा मट्ठा बना लिया। अब शक्कर और जो धनिया होती है हरी धनिया वो डाला। अब इसमें थोड़ा सा ये काला नमक वो डाल रही हूँ और थोड़ा सादा नमक, शक्कर भी डाला है। ऐसा ही मट्ठा, ये जो मट्ठा रहता है बहुत टेस्टी लगता है। देखिए मेरा पुलाव बन गया है, पुलाव भी बन गया। देखो कितना अच्छा बना है, कितना खिला खिला बना है। और ये मठा और ये टमाटर की मीठी वाली चटनी। और आज मैंने ये साड़ी पहन ली, मम्मी पहन की थी। मम्मी बोले कि बहुत यानी जाड़ी जाड़ी लग रही है बोले, तो तू पहन ले बोला। फिर मैंने पहन लिया मम्मी की साड़ी और मम्मी ने दूसरी साड़ी पहन लिया। तो चलो इनको परस के देती हूँ। तो ये लग गया आरुषि का खाना, पुलाव बन दिया उसे और जो मट्ठा था वो दिया उसे। कहा टमाटर की चटनी चाहिए क्या? तो नहीं बोले, मैं नहीं खाती बोले मम्मी। और मेरी मम्मी को भी देने का है, अभी मैं उनको भी दे देती हूँ। और टमाटर की चटनी यही खाएंगे क्योंकि इनको यानी पुलाव के साथ कुछ ना कुछ चाहिए, जैसे कोई भी सब्जी चाहिए लेकिन चाहिए, क्योंकि ऐसा पुलाव इनको अच्छा लगता नहीं है। तो इनके लिए मैंने टमाटर की मीठी वाली चटनी बना दिया, अभी आरुषि खा लेंगी। तो फ्रेंड्स आज का ब्लॉग इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तो जो भी हमारे चैनल पर है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और प्लीज़ कमेंट करके बताइए कि आपको हमारा आज का ब्लॉग कैसा लगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय बाय।